तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करते कि बोलते कि सर जो ब्लैकमेलर है, जो भी संजय सिंह है, हेमंत शर्मा है, राहुल शर्मा, विनोद राठौड़, जो भी हमारे साथ स्कैम करते हैं, पुलिस वाला बनकर, यूट्यूब वाला बनकर, जो भी हमें फंसाते वो, और जो भी लड़की हमें फंसाती वो लड़की बोलते कि भगवान की कसम मेरे को इतना पैसा दे दो मैं आपका वीडियो डिलीट कर दूंगी। क्या सच में अगर इसने कसम खाई तो हमारा वीडियो डिलीट हो जाएगा या नहीं, उसकी पूरी सच्चाई इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल और आप देख रहे हैं हम यूट्यूब चैनल, तो ये शुरू करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी नीचे रेड बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले भाई लोग मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी ब्लैकमेलर गर्ल रहती है वो तो एक लड़की नहीं रहती, वो सब एक छपरी लोग रहते हैं, तीन चार लोगों का गैंग रहता है, वही आपको दूसरे मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल पर वो उस लड़की का प्री रिकॉर्डेड, मतलब कि पहले से रिकॉर्डेड वीडियो चलाते म्यूट करके और दिखाते, उसके बाद हमारे वीडियो बनाते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते, फिर हम लोग बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा वीडियो डिलीट कर दो। तो फिर जो ब्लैकमेलर गर्ल रहते हैं वो हमें बोलते कि मैं भगवान कसम खाती हूँ, मेरी मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, तेरा वीडियो कहीं पर वायरल नहीं करूँगी, प्लीज़ इतना 10,000 दो, 20,000 दो, इतना पैसा मांगती है। तो आपको भी लगता है कि चलो इसने कसम खा ली, अभी ये वीडियो डिलीट कर देगी, तो आप भी पैसा दे देते हो। उसके बाद वो गर्ल बोलते कि नहीं और पैसा दे दो, और कसम खाती है, तो आपको लगता है कि ये कसम खा रही है इसका मतलब डिलीट कर देंगी, चलो और पैसा इसको जरूरत होगी पैसों की, पैसा मिलने के बाद ये डिलीट कर देंगी, ऐसा आपका वहम रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई लोग, ये सब ब्लैकमेलर लड़के लोग रहते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये लोग बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ये लोग कभी भी सचमुच की कसम नहीं खाते और उनका जो कसम खाते उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, तो आप उनके चक्कर में मत आना। ये लड़की या ब्लैकमेलर कोई भी रहेगा वो आपको कसम देगा, भगवान की माँ की किसी की भी कसम देगा, आपको उसके बहकावे में नहीं आना है और पैसा नहीं देना है। पैसा दिया तो फंस जाओगे, जितना देर तक पैसा दोगे उतना ही दिन तक वो आपका वीडियो संभाल कर सेव करके रखेंगे, जिस दिन पैसा देना बंद किया उस दिन से आपका वीडियो डिलीट मार देंगे। तो याद रखो, कोई भी लड़की आपको बोलेगी कि मेरा ये बीमार है वो बीमार है, व्हाट्सएप के अंदर बोल सकते हैं, फेसबुक के अंदर बोल सकते हैं कि मेरे पापा बीमार है, किडनी फेल है उनका, उनके लिए ऑपरेशन के लिए पैसा दे दो, भगवान कसम खाएंगी, माँ कसम खाएंगी, ऐसा कुछ भी बोलने दो, लेकिन आपको उनको पैसा नहीं देना है। आई होप गाइज इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना। लास्ट लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।